दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग चित्रायन में आपको फिर से एक वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे पीछे ट्रैक्टर्स, बहुत दिनों के बाद ट्रैक्टर्स का वीडियो शूट कर रहे हैं जो राजनंद गांव से थोड़ा ही आगे है, रामदेव ट्रैक्टर्स करके, आप बोर्ड भी देख लीजिए। और साथ ही दोस्तों आप मास्क लगा के चलिए, जैसे कि अभी कोरोना बहुत स्पीड से तेज़ी से बढ़ रहा है तो अभी मैंने मास्क नहीं लगाया वीडियो शूट करने के कारण वॉइस क्लियर नहीं आ पाता है, तो आप मास्क लगा के रहिए, सावधानी बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो आपको यहाँ से मैं आपको आइचर का है जो महिंद्रा का ट्रैक्टर्स है और भी अच्छी अच्छी कंडीशन में ट्रैक्टर दिखाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है चित्राम 1234 5। तो पूरा डिटेल मैं खुद बताने वाला हूँ, प्राइस से लेके मॉडल कितने HP का है, तो चलो मैं पूरा डिटेल बता। जैसे कि मैंने कहा था पूरा डिटेल मैं खुद बताने वाला हूँ, आपको पूरा डिटेल ध्यान से सुनिएगा और बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखिए, जिससे क्या होता है थोड़ा बहुत भी आप स्किप करोगे तो पूरा डिटेल नहीं मिल पाता है। जैसे किसी को HP पता नहीं बताया करके कमेंट करोगे, इससे अच्छा कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। तो ये जैसे कि ये स्वराज है, स्वराज 735 FE है, जिसका मॉडल है 2019 की मॉडल है और इसे 35 HP में आता है। इसकी रनिंग की बात करें तो हम पहले आपको मीटर्स दिखा देते हैं फिर प्राइस बताएंगे। पहले कंडीशंस देखिए, वेल मेंटेन है, टायर वायर पीछे का टायर नए में है ना भैया, पीछे का टायर नए हैं। ऊपर पहले मीटर दिखाते हैं, 387 कुछ चली हुई है, 387 हॉर्स घंटा बोलते हैं जिसे, घंटे में चलती है ट्रैक्टर्स। वैसे कंडीशन अच्छा है, इधर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन। अच्छी कंडीशंस में है, इसके बाद मैं आपको फार्म टैग का भी दिखाऊंगा। और इसका प्राइस की बात करें तो इसका है 4,50,000 इसका प्राइस है, स्वराज 735 FE का। कंडीशंस अच्छे कंडीशंस में है, इसके बाद फार्म टैग का दिखाएंगे आपको चैंपियन। जैसे कि दोस्तों ये है फार्म टैग का, वो भी अच्छी कंडीशन में, फार्म टैग का देखना नहीं पड़ेगा, अच्छी कंडीशन में आती है। और ये ट्रैक्टर्स का मॉडल बता दूँ तो फार्म टैग का है, 2020 का मॉडल है जो कि ऊंची मॉडल में है और ये करीबन 500 घंटा चला हुआ है, 500 हॉर्स पावर मतलब, और इसका HP 42 HP में आता है दोस्तों, सॉरी 42 HP में आता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 4,70,000 प्राइस है। कंडीशंस देखते हैं, आपको कंडीशंस दिखा देते हैं। टायर वायर आपको लोगे और चलाओगे, कुछ काम नहीं है ना अभी इसमें, लोगे और चलाओगे। बयालीस HP में है, अच्छे कंडीशंस में है। इसके बाद मैं आपको सोनालिका DI दिखाने वाला हूँ। ये है सोनालिका का 42 DI करके है, RX इसका है, मैं आपको बता देता हूँ मॉडल है ये 2016 का मॉडल है, 42 HP में। और इसका रनिंग हम आपको मीटर में ही दिखाएंगे, पहले आपको कंडीशंस देखते हैं, वेल मेंटेन में है कंडीशन, चारों टायर अच्छी कंडीशंस में है। इसका मैं आपको खुद मीटर में दिखा देता हूँ कितना चला हुआ है, तो ये तो अभी बंद है, डिजिटल मीटर में है तो आपको खुद ज़्यादा नहीं चला होगा ना भैया, ये तो अभी डिजिटल मीटर में है। अच्छा है, ज़्यादा चला नहीं है ये, 2474 कुछ हॉर्स पावर दिखा रहा है। और इसका प्राइस की बात करें तो ये 4,00,000 में है, 2016 का मॉडल है, 4,00,000 प्राइस है। दोस्तों ये है महिंद्रा का, आपको 275 DI है, FE 275 DI DLX करके है। और इसका मॉडल का हम बात करें तो ये 2010 का मॉडल है, ये 35 HP में आता है। और इसका रनिंग में आपको दिखाता हूँ मीटर में ही कितना हॉर्स पावर चल और कितने HP में है, ये सभी आपको 35 HP में है। और इसका प्राइस 2,20,000 है, आने के बाद भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बैठने के बाद, लेकिन एक कॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिलेगा। रनिंग की बात करें तो कितना चला हुआ है देखते हैं, कंडीशंस देखिए पहले बढ़िया। इसका रनिंग 3,173 चला हुआ है, रनिंग है। और इसका प्राइस में 2,20,000, 2010 का मॉडल है। इसके बाद जैसे कि ये देखिए महिंद्रा 475 DI,
महिंद्रा 475 DI है, इसका मॉडल है 2012 का मॉडल है, 475 DI 2012 का मॉडल है, और इसका रेट ये 42 HP में आता है, और इसका रेट है 2,80,000। इसका रनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कितना चला हुआ है, 4,670 चला हुआ है। इसका कंडीशन पूरा देखते हैं साइड से भी, कंडीशन वेल मेंटेन है। आपको पासिंग का जो है आप खुद कॉल करके पूछ सकते हैं पासिंग कहाँ का है, क्योंकि तो इसमें पासिंग दिया नहीं हुआ है, कहीं से बाहर से भी ट्रैक्टर्स आती है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि ये है आयसर का है, ये है आपको मॉडल मिलेगा 2012 का मॉडल है, जैसे कि ये देखिए 368 में है, और इसका 35 HP में आता है ये, और इसका प्राइस की हम बात करें तो 2,80,000 है, और रनिंग कितना हुआ है मैं आपको खुद देख के बताता हूँ। कंडीशंस भी अच्छी वेल मेंटेन है, टायर वायर सभी देखिए, रनिंग हुआ है इसका घंटा कितना घंटा चला हुआ है, 2,476 घंटा चला हुआ है। बाकी कंडीशंस आपने देख लिया, प्राइस भी मैंने बता दिया, 2012 का मॉडल, 35 HP, 2,80,000 प्राइस है इसका। इसके बाद एक और आई दोस्तों, ये है एसर का 485, इसका हम मॉडल की बात करें तो 2013 का मॉडल है, और ये 42 HP में आता है। इसका प्राइस है आपको मिलेगा 3,70,000 इसका प्राइस है, और इसका हम रनिंग आपको बता दें तो चला हुआ है ये 6,420 हॉर्स पावर चला हुआ है, हॉर्स घंटा मतलब घंटे में चलता है, ये अच्छी कंडीशन में है, ऊपर भी पूरा कंप्लीट है, आपको लेना है और चलाना है। जैसे किसी ट्रैक्टर्स का आजकल लेते हैं तो सीट वगैरह फटा हुआ होता है, तो ये अच्छी कंडीशंस में है। और आपको पासिंग का जैसे कि मैं बताया, आप कॉल करके पूछ लेना जिसको भी लेना होगा। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्वराज का 735 XM करके है, स्वराज 735 XM, ये भी 35 HP में आता है। एक और स्वराज दिखाया हमने, ये 35 HP में, और इसका ये 2014 का मॉडल है। इसका प्राइस की बात करें तो 3,80,000 इसका प्राइस है। इसका हम रनिंग आपको दिखाते हैं कितना घंटा चला हुआ है, 3,563 चला हुआ है, ये ज़्यादा नहीं चला है, कंडीशन अच्छी कंडीशंस में है, रामदेव ट्रैक्टर्स करके। और ये आपको इसका मैं एड्रेस आपको खुद बता देता हूँ, ये बसंतपुर चौक है राजनांदगांव में, मोबाइल नंबर आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, जैसे कि वो बसंतपुर चौक लिखा हुआ है ट्रैक्टर्स में। इसके बाद है न्यू हॉलैंड, वो दिखाते हैं दोस्तों, ये है न्यू हॉलैंड में है, ये वाली ट्रैक्टर्स है। इस ये देखिए 4010 करके दिया हुआ है, 4010 करके, ये आपको न्यू हॉलैंड 40 HP में आता है, और ये 2015 का मॉडल है। इसका रनिंग हम दिखाते हैं आपको, इसका रनिंग ज़्यादा चला नहीं है, ये भी ये 1600-1700 करीबन चला हुआ है, और कंडीशंस अच्छी कंडीशंस में है। प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलेगा प्राइस में न्यू हॉलैंड 3,90,000, कंडीशन अच्छी कंडीशंस में है, वेल मेंटेन है, पूरा पीछे का भी व्यू देखिए, पीछे से पूरा वहां से वहां तक दिखा, और जैसे कि वो देखिए वो भी न्यू में है, नांगर सेकंड हैंड भी मिल जाएगा। नांगर की बात है तो आपको नांगर दिखाते हैं, आइए नांगर देखिए, ये आपको सेकंड हैंड में मिल जाएगा, और ये भी उतना काम अभी भी अच्छे कंडीशन में, आपको पेंट वगैरह कराना पड़ेगा, पीछे न्यू में रखा हुआ है, न्यू में बहुत पीछे भी अच्छी कंडीशन में है, और वो भी आपको मिलेगा दोस्तों। ये देखिए ये महिंद्रा का है, यूवो 415 DI है, और ये 41 HP में आता है, लोग जरूर 42 बताते हैं, लेकिन ये 41 HP में आता है क्लियरली। और इसका मैं रनिंग की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी डिजिटल मीटर में, तो रनिंग कॉल करके पूछ लेना। और ये मॉडल की बात करें तो 2019 का मॉडल है, प्राइस है 4,60,000, आने के बाद नेगोशिएबल हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारी ट्रैक्टर्स दिखाएगा, करीबन आपको 8-9 ट्रैक्टर्स देखने को मिल गया, सेकंड हैंड नांगर है, और साथ ही जोताई मशीन भी है उधर, और देखिए पूरी ट्रैक्टर्स अच्छी कंडीशंस में है। तो दोस्तों आपको सभी ट्रैक्टर्स का डिटेल मिल गया है, अगर आपको लेना है तो बसंतपुर चौक राजनांदगांव में जरूर आइएगा, और साथ ही आपको नंबर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, और भी वीडियो आने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, तो करीबन एक साथ आज वीडियो शूट करेंगे, तो बहुत सारी वीडियो डेली करीबन 1-2 दिन के अपडेट में आपको मिलते रहेगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें।
साथ ही इंस्टाग्राम में भी पूरा मेरे से कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं, जिसको भी बात करना है या फिर किसी को यूट्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।